हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने तीन ट्यूबलाइट्स बिल्कुल नई ली हैं। ये तीनों ट्यूबलाइट जो हैबल्स ब्रांड की हैं और इन पे हम हाई वोल्टेज देख के देखेंगे कि ये जो ट्यूबलाइट है ये सर्वाइव करती है या ये खराब हो जाएंगी। यहाँ पे जो वोल्टेज हम देंगे, इनमें तीन वोल्टेज देख के देखेंगे। पहला 250 वोल्ट, दूसरा 380 वोल्ट और तीसरा 500 वोल्ट। तो ये देखेंगे कि ये जो ट्यूबलाइट्स है ये 250 वोल्ट में सही से काम करती रहती हैं कि खराब हो जाती हैं, कि 380 में सही से काम करती रहेगी कि खराब हो जाएगी। और फिर 500 वोल्ट देंगे और देखेंगे कि ये 500 वोल्ट में सही से काम करती रहेंगी या खराब हो जाएंगी। तो चलिए, इनके लिए मैंने एक अलग से बोर्ड बनाया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो बोर्ड है इसमें जो हमारी सप्लाई है वो आ रही है इस वाले पॉइंट में। ये जो 5 पिन का आप सॉकेट देख रहे हैं, यहां पे सप्लाई, तीन तरह की सप्लाई हमको मिलेंगी, 250, 380 और 500 वोल्ट। बाकी में 230 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो चलिए मैं आपको पहले यहां पे सप्लाई टेस्ट करा देता हूं। तो यहां पे 250 वोल्ट के लमसम आ रहा है। अब दूसरा वोल्टेज जो है हमारा, तो दूसरी रेंज हम सिलेक्ट करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि अब हमारा जो वोल्टेज है 376 या 70 वोल्ट के लगभग इसमें हमारा वोल्टेज शो हो रहा है मल्टीमीटर में। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 376 या 70 वोल्ट आपको दिख रहा है। मैं मान के चलता हूं कि 380 वोल्ट है। और तीसरा जो सप्लाई वोल्टेज है वो हमारा 500 वोल्ट के लमसम है। तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें इस समय 502 या 503 वोल्ट शो हो रहा है मल्टीमीटर में। तो इस तरह से हमारे जो वोल्टेज है इस पॉइंट में, यहाँ पे तीन तरह के वोल्टेज हमें शो हो रहे हैं। पहला हमारा 250 वोल्ट, दूसरा हमारा 380 वोल्ट और तीसरा हमारा 500 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ट्यूबलाइट्स हैं, इन ट्यूबलाइट्स पे सप्लाई देके देखेंगे। तो पहले मैं 380 वोल्ट की सप्लाई तीनों ट्यूबलाइट्स में देख के आपको दिखाऊंगा, फिर इसके बाद मैं 500 वोल्ट की सप्लाई दूंगा। तो यहां पे 380 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए मैं 380 वोल्ट के पॉइंट पे यहां पे सप्लाई दे रहा हूं। इस समय 380 वोल्ट में हमारा बल्ब इतना ग्लो कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको सप्लाई भी दिखा देता हूं कि यहाँ पे 380 वोल्ट सप्लाई हमारी मल्टीमीटर में शो होगी। मल्टीमीटर की मैंने प्रोब्स हटा दिए, इसी में मैं अटैच कर दूंगा जिससे कि आप यहाँ पे जो सप्लाई है वो देख पाएंगे। 377 वोल्ट सप्लाई आ रही है। तो 377 वोल्ट में हमारी जो ये एलईडी ट्यूबलाइट्स है इनपे क्या कंडीशन होती है इसको हम देख पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो ट्यूबलाइट है इसको हम 380 वोल्ट की सप्लाई देके देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आराम से हमारी ट्यूबलाइट जो है आराम से ग्लो कर रही है। तीन कलर की है ये ट्राई कलर, तो यहाँ पे तीनों कलर में यहाँ पे आप शो हो रहे हैं, आपको दिख पा रहे होंगे। तो ट्यूबलाइट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। इसी तरीके से दूसरी ट्यूबलाइट भी हम टेस्ट कर लेते हैं 380 वोल्ट की सप्लाई देके। इसमें भी देख लेते हैं कि इस ट्यूबलाइट में क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ट्यूबलाइट भी आपकी प्रॉपरली ग्लो कर रही है और ये सिंगल कलर की ट्यूबलाइट है तो ये व्हाइट ही ग्लो कर रही है। इसके बाद एक ये ट्यूबलाइट है, ये भी ट्राई कलर है। तो 380 वोल्ट की सप्लाई अगर आती है तो हमारी जो ट्यूबलाइट्स हैं ये सरवाइव करती रहती हैं। यहां पे आप देखेंगे कि ये भी ट्यूबलाइट जो है प्रॉपरली ग्लो कर रही, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही है। अब हम क्या करते हैं, सप्लाई जो है 500 वोल्ट करके देखते हैं। तो यहां पे मैंने अब 500 वोल्ट की सप्लाई कर दी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बल्ब कितनी तेज ग्लो कर रहा है। मैं आपको यहां पे दोबारा से शो करा देता हूं मल्टीमीटर में, तो आप यहां पे क्लियरली देख पाएंगे कि इसमें इस समय जो सप्लाई आ रही है वो 504 वोल्ट के लगभग इसमें मल्टीमीटर हमारा शो कर रहा है। तो 504 वोल्ट की सप्लाई अब हम ट्यूबलाइट में देके देखेंगे कि क्या कंडीशन होती है। तो यहां पे चलिए हम लोग ट्यूबलाइट्स में 504 वोल्ट की सप्लाई यानी 500 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं तो हमारी ट्यूबलाइट जो है प्रॉपरली ग्लो कर रही। लेकिन प्रॉपरली ग्लो किस वजह से कर रही है, क्योंकि मैं यहां पे सीरीज में बल्ब लगाया हूं इसलिए हमारी ट्यूबलाइट जो है खराब नहीं हो रही है। जो भी एक्स्ट्रा लोड है, क्योंकि 20 वाट की ट्यूबलाइट है, एक्स्ट्रा लोड जो है वो हमारा सीरीज में ट्रांसफर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब हम इस पे डायरेक्ट यही 500 वोल्ट की सप्लाई देके देखते हैं कि क्या कंडीशन होती है। तो डायरेक्ट अब हमने सीरीज से हटा दिया है और डायरेक्ट हम सप्लाई देके दिखा रहे हैं आपको। आप देखेंगे कि ये खराब हो गई, बिल्कुल तुरंत डैमेज हो गई। इसके अंदर आपको स्पार्क भी दिखा होगा हल्का सा, ये आप देख पाएंगे, ये आप देख पा रहे हैं 500 वोल्ट में हमारी ये ट्यूबलाइट जो है बिल्कुल तुरंत डैमेज हो गई है। अब यहां पे दूसरी ट्यूबलाइट भी हम लोग देख लेते हैं। ये ट्यूबलाइट जो है 500 वोल्ट में भी ये भी जो है खराब हो जाएगी। ये आप देखेंगे कि थोड़ा सा जली और इसके बाद ये भी खराब हो गई। तो इस तरीके से दो ट्यूबलाइट्स हमारी जो है खराब हो गई हैं। अब मैं सप्लाई क्या करता हूं, 380 डायरेक्ट इस पे देके देखता हूं। अभी तक हमने सप्लाई जो दी थी वो सीरीज में करके दी थी बल्ब के साथ सीरीज में, तो अब हम डायरेक्ट 380 ही देके देखते हैं कि क्या कंडीशन होती है। तो यहां पे 380 वोल्ट की सप्लाई मैं इसमें देता हूं,
इस समय जो सप्लाई आ रही, मैं आपको फिर से टेस्ट करा देता हूं। सीरीज बल्ब मैंने यहां पे लगाया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इसमें अब हम सप्लाई जो देंगे वो हमारी सप्लाई जो है 380 वोल्ट है। मैं आपको मल्टीमीटर में एक बार टेस्ट करा देता हूं, क्योंकि एक ही ट्यूबलाइट हमारे पास बची है सही, तो उसको हमें टेस्ट करना है। यहां पे 378 वोल्ट आ रहा है एसी, तो चलिए इस 378 वोल्ट एसी को हम लोग पहले इसमें देंगे, फिर 500 वोल्ट भी देंगे, क्योंकि 500 वोल्ट में दो ट्यूबलाइट्स तो हमारी खराब हो गई हैं, ये एक ट्यूबलाइट बची है। तो इसमें हम 380 वोल्ट की सप्लाई दे के देख रहे हैं। यहां पे आप देखेंगे कि ये ट्यूबलाइट जो है ट्राई कलर है, प्रॉपरली काम कर रही, 380 वोल्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है हमारी ट्यूबलाइट में, यानी 380 वोल्ट में हमारी ट्यूबलाइट बिल्कुल अच्छे से काम करती रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम इस पे 500 वोल्ट की सप्लाई फिर से दे के देखते हैं। तो यहां पे 500 वोल्ट की सप्लाई हम इसमें कर लेते हैं, और अब हम ये फाइनली एक ट्यूबलाइट जो हमारी बची है इसको हम देखेंगे। तो यहां पे हमारी सप्लाई जो है इस समय 500 वोल्ट है, और 500 वोल्ट की सप्लाई हम आपको मल्टीमीटर में शो करा देते हैं। 504 वोल्ट सप्लाई, 3 वोल्ट यहां पे सप्लाई हमारी आ रही है, और 503 वोल्ट की सप्लाई हम अब इस ट्यूबलाइट में देंगे। तो देखेंगे कि ये ट्यूबलाइट जो है ये भी खराब हो जाएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि दो हमारी पहले ही ट्यूबलाइट्स खराब हो चुकी हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये अभी जल रही है, लेकिन इसके अंदर स्पार्क हुआ और ये भी हमारी ट्यूबलाइट जो है खराब हो गई है। तो इस तरीके से जो हमारी ट्यूबलाइट्स हैं ये 380 वोल्ट में सरवाइव कर गई हैं, लेकिन 500 वोल्ट सप्लाई में ये तीनों ट्यूबलाइट्स हमारी जो है खराब हो चुकी हैं। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि जो हमारी एलईडी ट्यूबलाइट्स हैं हैवेल्स ब्रांड की, ये 380 वोल्ट तक की सप्लाई में बढ़िया से काम करती रहती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर यहां पे सप्लाई वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे 500 वोल्ट हो जाता है, तो ये हमारी जो ट्यूबलाइट्स हैं ये खराब हो जाती हैं, यानी डबल फेस यानी 440 वोल्ट के ऊपर जाने के बाद हमारी जो एलईडी ट्यूबलाइट्स हैवेल्स की हैं ये बिल्कुल डैमेज हो जाती हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग इन ट्यूबलाइट्स के अंदर क्या फॉल्ट आई है इसको देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।